गुजर जाएगा ये वक्त भी गालिब, गुजर जाएगा ये वक्त भी गालिब, थोड़ा इत्मीनान तो रख। जब खुशी ही ना ठहर सके तो गम की क्या औकात है, तो गम की क्या औकात है। Apple cider vinegar help boost our immune system. It has antibacterial properties. ये fermented है, जो कि act like a probiotic, जो हमारे body में good bacteria को form करते हैं and bad bacteria को मारते हैं. And ये detoxification भी करते हैं, जो कि हमारे body के toxin को flush out. सत्तू मेड फ्रॉम चना डाल, चना डाल को रोस्ट करके पाउडर करने पे हमें सत्तू मिलता है। इट इज हाई ऑन इनसॉल्युबल फाइबर, जो कि इंटेस्टाइन के लिए गुड है, एंड इज लो ऑन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसमें गुड प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज मिलता है, एंड इज लो ऑन सोडियम। ये भी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये शरीर को ठंड रखता है। डायबिटिक और हाई बीपी पीपल के लिए ये बहुत ही अच्छा है। बाउल मूवमेंट को इंप्रूव करता है, इंक्रीजेस बॉडी इम्यूनिटी। कर्ड एक्ट लाइक ए प्रोबायोटिक, और बनाना रिच इन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड सुपर सोर्स ऑफ विटामिन B6। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? वेलकम टू बॉन्ग आउटसाइड बंगाल, इट्स मी देवोश्मिता। आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल बटन, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आज क्या है कि दो दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड्स के साथ बात हो रही थी, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बोल रही थी कि हमें सब कुछ पता होता है, हम लोग सब कुछ जानते हैं, ये क्या है वो क्या है, लेकिन ना हमारे ये बिजी स्केड्यूल में और काम के चक्कर में हम लोग भूल जाते हैं। तो मेरा और उसका बात हो रही थी कि किससे किस किस चीज़ों से इम्यूनिटी बूस्ट किया जाए, खाने के बारे में, हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, ये सब बारे में बात हो रही थी। तो तभी उसने बोला कि हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोग इन द मोमेंट हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं। तब भी अगर इस टॉपिक में अगर किसी से बात हो जाए, अगर कोई हमें साइड से बोल दे, तो ये बहुत अच्छा होता है, हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो किस चीज़ से हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है, बहुत ही नॉर्मल और बेसिक सा चीज़ होता है वो सब, उससे वही मैं आज का दिन पूरा दिन मैं इम्यूनिटी बूस्ट वाला खाना मैं खाऊँगी, और आपसे तो शेयर करना ही है मुझे ये सब, इस ये सोच के ही आज का वीडियो। तो अभी मैं पी रही हूँ ये छत्तू का घोल, जो बहुत ही हेल्दी होता है, और मुझे ना यहाँ पे आके और एक चीज़ के बारे में पता चला। किसी किसी को पता होगा रागी के बारे में, मुझे पहले रागी के बारे में पता नहीं था, रागी मोल्ट, और ये भी बहुत ही हेल्दी होता है। और ये जो सीज़न चेंज हो गया, इसके बाद गर्मी आते हैं, और मैं जिस जगह पे हूँ, क्योंकि ये सी साइड एरिया है, यहाँ पे ड्राई वेदर है, तो ये रागी मोल्ट ना बहुत ही बढ़िया होता है बॉडी को ठंडा रखने के लिए। जैसे सत्तू भी शरीर को ठंड रखता है, वैसे रागी भी शरीर को ठंड रखता है। और भी बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि हमारा अभी क्या हो गया, हम लोग अभी किनुआ और खुसखुस के पीछे दौड़ते हैं कि वो सब चीज़ हेल्दी है, लेकिन हमारा अपना भी बहुत चीज़ है, जैसे कि रागी गेंद, देन मिलेट, देन बार्ली गेंद,
बार्ली तो है ही अच्छा, क्योंकि हम जब छोटे थे बचपन में, जब भी हमारे फीवर होता था, हम लोगों को टेस्ट बहुत ही गंदा है, सॉरी, बट बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि उस टाइम फीवर होने के टाइम बार्ली बार्ली दिया जाता था। मतलब एक जो जिसको बीमारी है, जिसका हेल्थ ठीक नहीं है, उसको बार्ली दिया जा रहा है, तो वो कितना हेल्दी है, टेस्ट नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो कितना हेल्दी हो सकता है कि एक बीमार आदमी को वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसका इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो बार्ली एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बार्ली ग्रेन, बार्ली ग्रेन के बारे में भी मुझे पता नहीं था, यहाँ पे आके ही मुझे पता चला बार्ली ग्रेन के बारे में। बार्ली ग्रेन आप खा सकते हो, जो दलिया है, गेहूं का जो है दलिया जो हम खाते हैं, दलिया के जैसे ही आप बार्ली ग्रेन खा सकते हो। चाइल्डहुड में हम लोग जो खाते थे, हमारे दादी नानी जो हमें देते थे, जो हमारे ट्रेडिशन वाला खाना है ना, उसके बारे में अभी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही हेल्दी था वो सब भी। हम लोग अभी बाहर के चीज़ों को, क्या है ना, हमारा भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये मार्केटिंग का दुनिया है, हमें जो सुनने को टीवी में या कहीं पे भी बार बार वही सुन रहे हैं कि ये चीज़ अच्छा है, मार्केटिंग, ग्रीन टी अच्छा है, ग्रीन कॉफ़ी पीना चाहिए, ये सब अच्छा है, लेकिन हमारे दार्जिलिंग टी के बारे में हम तो भूल ही गए। दार्जिलिंग टी, हमारा ब्लैक टी है, अच्छा है, पीना भी चाहिए, लेकिन ये सोच के नहीं कि हम जो पी रहे थे, हमारा जो ब्लैक टी, दार्जिलिंग टी, ये सब जो था, ये सब बुरा है, लेकिन ग्रीन कॉफ़ी अच्छा है, ग्रीन टी अच्छा है, ये सब सब सोच के नहीं पीना है। सब कुछ है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, पीना है, लेकिन किसी को कंपेयर करके नहीं। अगर आप कंपेयर करने जा रहे हो तो सही से कंपेयर करो। हमारा जो है वो हम भूल रहे हैं, हम ये सुनने में ज़्यादा जा रहे हैं, तो सुनने में ज़्यादा मत जाओ, अपना जो है उसको सोचो, उसको इंक्लूड करो। हमारा जो ट्रेडिशन में है, हमारा जो है वही अच्छा है। खाना तो है, सब कुछ खाना है, सब कुछ खाएंगे, लेकिन ये मत सोचो कि हमारा बुरा है, उनका अच्छा है, उनका लेना है, ये मत सोचो कभी। और भी कुछ चीज़ों से हम हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं।
लाइक नॉट स्मोकिंग, नॉट ड्रिंकिंग. अगर अल्कोहल ले रहे हो तो ये मॉडरेशन में लो. देन मेंटेन आवर हेल्थ वेट, एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट ए डाइट हाई इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. बट अभी रॉ वेजिटेबल्स ना लेना ही सही है. और स्लीप, गुड स्लीप भी बहुत ज़रूरी है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए. पपाया के ये कड़ी बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी होता है. ये रहा आज का लंच. बहुत ही सिंपल और इजी मैंने जैसे दिखाया कि घर पे ही जो सब होता है उससे ही ये वेजिटेबल का क्या बोलूँ, इसे शोरबा भी बोलते हैं और हम लोग झोल बोलते हैं इसको, और भिंडी फ्राई, पपाया का एक करी, वो तो बहुत ही सिंपल है, और रॉ बनाना फ्राई, पिकल और ये छाछ, ये दोनों तो बहुत ही अच्छा होता है प्रोबायोटिक के लिए. और ये जो सब्जी है ना, इसको ये नींबू से खाने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है. और आपका विटामिन सी भी गया. मतलब हम लोग जो नॉर्मल खाना खाते हैं अगर एनालिसिस करें तो हेल्दी होता है, बहुत ही हेल्दी होता है. हमारा गट सिस्टम अगर अच्छा है तो हमारा इम्यूनिटी भी सही रहेगा, और अगर हमारा इम्यूनिटी अगर सही रहता है तो हम कोई भी सडन बैक्टीरिया से और फ्लू से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हमारा गट सिस्टम को ठीक रख सकते हैं हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल और सिंपल इजी हेल्दी खाने से. खाने के बाद प्लेट लीक करना कोई बुरी बात नहीं है,
हमारा एंजाइम बढ़ता है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बाय बाय।